ना रुकिए भाई। नमस्कार सर। नमस्कार सर, थोड़ा सा पीछे हमारा कोबरा बाइट होने के बाद ट्रीटमेंट चल रहा है। ये स्थिति सामान्य बनेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जय हिंद फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मौर्य स्नेक्सर। मौर्य स्नेक्सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और बेजुबानों को बचाने के कार्य 24 घंटा जारी रहता है, और जहां से भी सूचनाएं मिलती हैं स्नेक रेस्क्यू के लिए हम तत्काल पहुंचा करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ हमारे फुटकर पाप कर्म थे, जिसके वजह से हमें सूचना मिली और हम रेस्क्यू करने के लिए गए। बिग साइज का कोबरा स्नेक जो कि हम गए हुए थे गोंडा डिस्ट्रिक्ट के वजीरगंज मार्केट सोनार टोला से। एक परिवार काफ़ी परेशान था, उस परिवार में तीन कोबरा स्नेक थे, जिसमें कि एक मेल और दो फीमेल थे। और हम लोग वहाँ पहुँचे, परिवार काफ़ी भयभीत था, काफ़ी परेशान था, काफ़ी डरा हुआ था, क्योंकि उनके पास दो ही रूम था, एक में भोजन बनता था, एक में लोग रहते थे। तो उसी रूम में ये तीनों कोबरा दिखे हुए थे, और सुबह सुबह का वक्त था, हम वहाँ पर पहुँचे। हालांकि वहाँ पे कोबरा को रेस्क्यू करने में हमें काफ़ी समय लगा, दीवार भी तोड़ना पड़ा। तो वो कोबरा स्नेक काफ़ी डिस्टर्ब मूड में हो गया था, क्योंकि भाई वो अपने आशियाने में था। हालांकि हम लोग वहाँ पे गए तो उसे दीवार तोड़ा गया, उसे डिस्टर्ब की जरूर हुई, किंतु परिवार को बचाना था, साथ साथ सांप को भी बचाना था। तो हम लोग सांपों को सुरक्षित रख करके फॉरेस्ट में डालते हैं। तो हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो डिस्टर्ब मूड में कोबरा स्नेक इतना तेज़ी के साथ निकला कि संजोग से ये था कि हम रेस्क्यू स्टैंड नहीं लिए हुए थे, रेस्क्यू टांग नहीं लिए हुए थे, और सिर्फ ग्लव्स ही था। तो जैसे ही वो कोबरा स्नेक निकला, और हमें थोड़ा सा रेस्क्यू करने में थोड़ा सा कमी जरूर हुई, कि हम जैसे वो एक फुट दीवार से बाहर आए, तैसे ही हम पकड़ने का कोशिश किए, और वो कोबरा स्नेक डिस्टर्ब मूड में था और बहुत तेज़ी के साथ बाइट किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना भयानक तेज़ी के साथ है बाइट किया कि हमारा ये अनुमान लग रहा है कि शायद वो 62 मिलीग्राम के आसपास वो पूरा फुल डोज डाल दिया। हालांकि सांपों को बचाने के साथ साथ हम लोगों को जागरूक भी किया करते हैं, कुछ अपने पास भी कुछ प्राथमिक उपचार के आधार पर कुछ जानकारियाँ होती हैं जिसके माध्यम से स्वयं की रक्षा करते हैं। दुर्भाग्य से अगर आसपास में तत्काल किसी को स्नेक बाइट हो गया, तो उस स्थिति में प्राथमिक उपचार के आधार पे उन्हें हम कुछ बचाव करके हॉस्पिटल की तरफ भेजते हैं। और वैसे ही संजोग घटा, कुछ हमारे पाप कर्मों थे जिसके वजह से हमारे साथ कोबरा बाइट हुआ, और आप लोगों की कृपा थी, आशीर्वाद था कि हम प्राथमिक उपचार के आधार पे कुछ ट्रीटमेंट करके हम वहाँ से हॉस्पिटल की तरफ पहुँचे। और हॉस्पिटल की तरफ आने में थोड़ा सा भीड़ भाड़ का माहौल था। ये कौन सा मेला चल रहा था? ये महान था, महान कहाँ का था? ये प्रयागराज का, प्रयागराज जी जी, प्रयागराज का स्नान चल रहा था। उसी समय ये रोड भी बंद था, किंतु पुलिस विभाग प्रशासन विभाग ने हमें कहीं बाधित नहीं किया। तत्काल हमें रास्ता क्लियर मिलता गया आप लोगों की कृपा से, बेजुबानों की दुआओं से और ईश्वर की कृपा से हमें रोड क्लियर मिलता गया, और हम लोग हॉस्पिटल की तरफ पहुँचे। और यहाँ पर राजकीय श्रीराम हॉस्पिटल के जितने भी स्टाफ थे इमरजेंसी में, सभी लोग तत्काल हमारे ट्रीटमेंट में लग गए। तो हम जो यहाँ पे कुछ पट्टी लगाए थे, कैट बैंडेज लगाए हुए थे, उसे खोला गया,
इसके बाद वो जहर हमारे शरीर में बहुत तेज़ी के साथ फैला और एक से डेढ़ घंटा हमारी स्थिति बहुत ही नाजुक हो गई। किंतु यहाँ के स्टाफ डॉक्टर्स और जितने भी स्टाफ थे इमरजेंसी के सभी लोग करके इकट्ठा होकर के हमारा तत्काल ट्रीटमेंट शुरू किए और 2.5 से 3 घंटा में हमारी स्थिति को कंट्रोल में ले लिया। हालांकि हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई थी, बहुत तेज़ यहाँ पेन हो रहा था, बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, स्वेलिंग हो गया काफ़ी और गला सूखने लगा और सांस लेने में दिक्कत होने लगी, फेफड़ा में दबाव पड़ने लगा, हमारी ये आँखें की भौहें ये सब मोटी होने लगी और धीरे धीरे आँख भी बंद हो गई, गला जकड़ने लगा और धीरे धीरे सिर भी हमारा लटकने लगा। हम काफ़ी नाजुक स्थिति में चले गए और आँख से दिखना भी बंद हो गया। किंतु यहाँ के स्टाफ और डॉक्टर्स लोग इतना तेज़ी के साथ लगे और तत्काल एंटीवेनम एबीएस डालते रहे लगातार और हमारी स्थिति को 4 घंटा के अंदर कंट्रोल करके हमें नॉर्मल स्थिति में ला दिए। तो आज हमारा यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर 3रा दिन है और अभी हम भर्ती हैं। आप देख रहे हैं कि हाथ में अभी काफ़ी स्वेलिंग बनी हुई है और इसने एक वाइट मार्क है जो कि यहाँ पे हमें कोबरा डबल दांत मारा, आप स्थिति को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये पूरा स्वेलिंग अभी बना हुआ है और यहाँ पे काफ़ी छूने पे पेन हो रहा है, काफ़ी दर्द हो रहा है। किंतु हम आप लोगों के आशीर्वाद से खतरा से बाहर आएंगे, सुरक्षित हैं। आप लोगों का आशीर्वाद, बेजवानों की दुआ और मालिक की कृपा रही कि हम आप लोगों के बीच में स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं है और आप लोगों की दुआओं की आवश्यकता है कि हम यहाँ से ठीक होकर के जल्द से जल्द बेजुबानों को बचाने में इस कार्य में हम पुनः आपस आ सकें। इसलिए आप लोगों की दुआओं की आवश्यकता, आशीर्वाद की आवश्यकता है। तो कृपया आप लोग दया दृष्टि बनाए रहें क्योंकि जल्द से जल्द हम आप लोगों के बीच में आ चुके हैं। तो अभी डॉक्टर साहब का कहना है कि अभी यहाँ पर ब्लड टेस्ट हुआ है, कुछ अभी इनमें इन्फेक्शन है जो कि हो सकता है 1-2 दिन और भी लग सकता है। तो जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा हम ठीक होकर के इसने के रेस्क्यू कार्य में काल फिर लगने वाले हैं। सिर्फ आप लोगों की दुआओं की आवश्यकता है। तो आप लोगों के बीच में हमारी हालचाल बराबर जानी चाहिए इसलिए हम वीडियो दे रहे हैं। हालांकि इमरजेंसी वार्ड में 24 घंटा थे तो उस स्थिति में डॉक्टर साहब का कहना था कि वीडियो यहाँ पर नहीं बनाई जाए, इमरजेंसी में आप जनरल वार्ड में बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी हमारा ट्रीटमेंट सिस्टम है यहाँ पे सब चल रहा है। यहाँ पे स्टाफ लोग बराबर ध्यान रख रहे हैं। हम राजकीय श्रीराम हॉस्पिटल में एडमिट हैं और हमारी स्थिति नॉर्मल है, सामान्य है, ठीक है। हो सकता है अभी 2 दिन और लग जाए तो जैसे हम यहाँ से निकलेंगे तत्काल फिर सांप रेस्क्यू का कार्य में लग जाएंगे। बस आप लोग अपना दुआ आशीर्वाद बनाए रहें और आप लोगों के आशीर्वाद की आवश्यकता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।